राम रहीम से बीजेपी का खास प्रेम देखिए। वोट के लिए कुछ भी करेगी बीजेपी, जीत के लिए कितना ही गिरेगी बीजेपी। रेप के दोषी और हत्यारे पर इतनी मेहरबानी क्यों? चुनाव से ठीक पहले क्यों मिल जाती है पैरोल? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। बेहद पुरानी कहावत है, 100 चूहों को खाकर बिल्ली हज को चली। इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखते ही नहीं। बीजेपी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। खबर के बारे में बात करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं जो आज जनता पूछ रही है कि क्या बीजेपी को शर्म आती है? क्या ये सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी दो पल के लिए भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखती? स्मृति ईरानी जो बार बार राहुल गांधी पर निशाना साधती है, उलझुल बात करती है, वो एक महिला होकर भी इस मुद्दे पर चुप रहती है जब एक रेपिस्ट को पेरोल मिल जाती है। इस रेपिस्ट का नाम है गुरमीत राम रहीम। इस पर ईरानी एक शब्द भी नहीं बोलेंगी क्योंकि बीजेपी के लिए जीत जरूरी है और हरियाणा में कई सीटों पर इस जीत के लिए राम रहीम जरूरी है। वैसे इस मामले में उंगली तो चुनाव आयोग की तरफ भी उठनी चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में था कि इस हत्यारे को रिहा किया जाए या फिर नहीं, लेकिन आयोग ने पैरोल की याचिका को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। हालांकि पैरोल के वक्त राम रहीम के हरियाणा में दाखिल होने पर रोक रहेगी। कई पत्रकार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। हर बार जब चुनाव होते हैं तो इस व्यक्ति को पैरोल मिल जाती है। हम ग्राफिक्स के साथ आपको बताते हैं कि जब जब हरियाणा, पंजाब या लोकसभा का चुनाव हुआ है तब तब इस बलात्कारी को पैरोल मिली है। कभी 21 दिन, कभी 50 दिन, अभी पिछले ही महीने भी इसे पैरोल मिली थी। राम रहीम को कब कब मिली पैरोल? सिर्फ इसी साल की बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिनों की पैरोल लेकर राम रहीम बाहर रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए राम रहीम बाहर आया। आदमपुर सीट पर भी उपचुनाव होना था। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जून 2022 में 21 दिनों की पैरोल मिली थी। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में 21 दिनों की पैरोल मिली। जनवरी 2023 में जब हरियाणा में पंचायत चुनाव थे तब गुरमीत 40 दिनों की पैरोल पर बाहर आया था। जुलाई 2023 में पंचायत के उपचुनाव थे। नवंबर 2023 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तब गुरमीत 21 दिनों की पैरोल लेकर बाहर आया था। 13 अगस्त 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त गुरमीत को 21 दिनों की पैरोल दी गई और अब एक बार फिर से पैरोल मिल गई है क्योंकि डेरा सच्चा सौदा हरियाणा की कई सीटों पर प्रभाव रखता है। करीब 35 सीटें हैं जहां डेरा का सीधा दखल है और अभी जो हालात बीजेपी के हरियाणा में है, पार्टी किसी भी हालत में जीत के लिए धर्म की राजनीति कर सकती है। सियासी सयाने तो एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव के वक्त ही इसे पैरोल क्यों मिलती है? आखिर बीजेपी की महिला नेता इस बारे में कब बोलना शुरू करेंगी? शायद कभी नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि राम रहीम के पैरोल से चुनाव का कुछ लेना देना है या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।